तो इधर आईपीएल 2024 खत्म हुआ और उधर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 टूर्नामेंट की होगी शुरुआत। 2 जून को पहला मैच खेला जाएगा, लेकिन इंडियन टीम अपना पहला मुकाबला 5 जून को आयरलैंड के टीम के खिलाफ खेलेगी। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 की जो टॉप 10 टीमें हैं उस टीमों के कप्तान और वाइस कप्तान कौन कौन है, यानी कि सभी टीमों के कैप्टन के साथ साथ वाइस कप्तान उप कप्तान के बारे में आपको पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। आईपीएल के साथ साथ, जैसा कि हमने आपको बताया भी है कि आईपीएल के साथ साथ हम इंडियन टीम और सभी टूर्नामेंट को कवर करते हैं, इसी वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ल्यूक्स क्रिक फैमिली का हिस्सा बने। तो अब बात कर लेते हैं टॉप 10 टीमों के कप्तान और उप कप्तानों के बारे में, और सबसे पहले आपको बताएंगे अफगानिस्तान के टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में। इनके कप्तान है राशिद खान, इनके कप्तान होंगे टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, और उप कप्तान है इब्राहिम जादरान। इन्होंने अफगानिस्तान के टीम के उप कप्तान का रोल अदा करने का सोचा है टी20 वर्ल्ड कप 2024 में। और अब बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ। तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि कौन इनके कप्तान है, पैट कमिंस नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, इनके कप्तान है मिचेल मार्श। टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे और उप कप्तानी का रोल मैथ्यू वेट को दिया गया है। पैट कमिंस, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताया, उन्हें टी20 वर्ल्ड कप में एज ए कप्तान नहीं चुना गया है। मिचेल मार्श इस टीम के कप्तान होंगे ऑस्ट्रेलियन टीम के। बांग्लादेश की टीम की बात करें तो बांग्लादेश की टीम के कप्तान है नजमुल हुसैन सेंटो और वाइस कप्तान है तस्कीन अहमद। ये खिलाड़ी बांग्लादेश के कप्तान और उप कप्तान की भूमिका निभाएंगे टी20 वर्ल्ड कप में। लेकिन हम बढ़ते हैं इंग्लैंड के टीम के तरफ। इंग्लैंड के टीम के कप्तान है भाई जॉस द बॉस, जॉस बटलर इंग्लैंड के टीम के कप्तान होंगे टी20 वर्ल्ड कप में, और इनके जो वाइस कैप्टन होंगे वो होंगे मोइन अली, जो कि चेन्नई की टीम का हिस्सा है आईपीएल में और इंग्लैंड के टीम के उप कप्तान यानी कि वाइस कैप्टन भी हैं। इंडियन टीम की बात कर लेते हैं। अगर आप इंडिया के फैन हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि कौन कप्तान है, हमारे रोहित बैन शर्मा इंडियन टीम की कप्तानी करेंगे और उप कप्तान यानी कि वाइस कप्तान है हार्दिक पांड्या। मुंबई इंडियंस की टीम के 2 खिलाड़ी इंडियन टीम के कप्तान और वाइस कप्तान यानी कि वाइस कैप्टन है। और इंडिया के बाद बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के टीम के बारे में। न्यूजीलैंड के टीम के कप्तान है टी20 वर्ल्ड कप में हमारे केन विलियमसन, और न्यूजीलैंड के टीम ने वाइस कप्तान बनाया है मिचेल सैंटनर को। चेन्नई के टीम के खिलाड़ी है ये, हम सभी को पता है, और इन्हें उप कप्तान का रोल दिया गया है न्यूजीलैंड के लिए टी20 वर्ल्ड कप में, और इनके कप्तान हमारे केन मामा केन विलियमसन है। और न्यूजीलैंड के बाद आगे बढ़े हम लोग पाकिस्तान के टीम के तरफ। तो पाकिस्तान के टीम के कप्तान होंगे बाबर आजम, और इनके वाइस कप्तान के बारे में बात करें तो वाइस कप्तान का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हो सकता है मोहम्मद रिजवान या फिर शाहीन अफरीदी को ये बना दे, लेकिन कंफर्म नहीं पता है, तो हम आपको इनके वाइस कप्तान के बारे में नहीं बता सकते। कप्तान इनके बाबर आजम होंगे, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। और अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के टीम की। तो साउथ अफ्रीका के टीम के जो कप्तान होंगे वो हैं एडन मकरम। इनके कैप्टन हो सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, हो सकते हैं नहीं, यही इनके कप्तान हैं। और वाइस कप्तान इन्होंने भी अनाउंस नहीं किया है, इसी वजह से हम इनके वाइस कैप्टन के बारे में आपको नहीं बता सकते। मेरे हिसाब से डेविड मिलर ही हो सकते हैं, बट ऑफिशियल कुछ नहीं है तो हम आपको कुछ बता नहीं रहे हैं। श्रीलंका के टीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका के टीम के जो कैप्टन होंगे टी20 वर्ल्ड कप 2024 में वो वनिंदु हसरंगा है, और वाइस कैप्टन है चरित असलंका। ये 2 खिलाड़ी इस टीम के लीडरशिप का रोल निभाएंगे। और अब बात करते हैं आखिरी टीम की, जो कि है वेस्ट इंडीज की टीम में टी20 वर्ल्ड कप के कप्तान हैं रोमन पॉवेल, जो कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा है, और इनके जो वाइस कैप्टन हैं वो हैं शाई होप। ये 2 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के लीडरशिप का रोल निभाएंगे टी20 वर्ल्ड कप 2024 में। और वेस्ट इंडीज की टीम में रसेल और रोमन पॉवेल, जेसन होल्डर जैसे बड़े नाम भी हैं, तो इस बार वेस्ट इंडीज की टीम भी कड़ी टक्कर देगी बाकी सभी टीमों को। लेकिन मैं तो इंतजार कर रहा हूं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मुकाबले में। तो क्या लगता है, जब टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की टीम भिड़ेगी पाकिस्तान से, तो कौन सी टीम जीतेगी? मैं अपनी राय दूं तो मैं किसी भी टीम के खिलाफ इंडिया की हार
डाइजेस्ट कर सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ हर हाल में इंडियन टीम को जीतना होगा, जो कि 9 जून को होगा। बहुत ही बेसब्री से इस मुकाबले का इंतजार है, तो देखते हैं कौन सी टीम जीतती है उस मुकाबले को। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन टीम हरा देगी पाकिस्तान को, या फिर पाकिस्तान की टीम भारी पड़ेगी इंडिया पे? अभी कॉमेंट करें, और आगे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज आएंगी IPL 2025 रिलेटेड, और T20 वर्ल्ड कप को भी कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी अगली किसी और नई वीडियो में।